ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर हम बाबा की महान आत्माएं, जिनको बाबा ने लक्ष्य दिया है सर्वगुण संपन्न बनने का। हम संगठन में रहते हैं, संगठन हमारी शक्ति है। कईयों को संगठन में रहने से डिस्टरबेंस होता है और कई आत्माएं संगठन में रहकर डिस्टरबेंस से मुक्त रहना सीख लेती हैं। जो मनुष्य संगठन में रहते हुए सबके साथ एडजस्ट कर ले, सबके साथ मिलकर चले, सबके संस्कारों से मिलन कर ले, वही सचमुच श्रेष्ठ ज्ञानी आत्मा है। लेकिन जिस मनुष्य को संगठन में डिस्टरबेंस होने लगे, जो अपने को किसी भी संगठन में सेट न कर पाए, जो दूसरों के वचनों से डिस्टर्ब होते रहे, जिनको बहुत फीलिंग आती रहे, जो संगठन में रहते हुए पुरुषार्थ भी न कर पाए, वो श्रेष्ठ ज्ञानी नहीं है। हम अपने संस्कारों को सॉफ्ट करें और पहला संकल्प करें कि हमें सबसे मिलकर चलना है, सबकी श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करना है। कामनाएं पूर्ण करने का अर्थ ये कदापि नहीं होता कि दूसरों की गलत कामनाओं को भी हम पूर्ण करेंगे, लेकिन हम सहनशील बन कर रहें, हम दूसरों के साथ मिलकर चलें। ये ना संकल्प हो कि जैसा मैं चाहूं वैसे ही सब मेरे साथ चलें, बल्कि पहले ये संकल्प कर लें संगठन में, जैसा दूसरे चाहते हैं वैसा हम चल कर दिखाएं। दूसरे हमको बहुत एफिशिएंट, बहुत जिम्मेदार देखना चाहते हैं, बड़ा योग्य देखना चाहते हैं, हम वैसा बन जाएं। कभी कभी संगठन में रहने वाले लोगों में अहम होता है। आप छोटे हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, आपकी खुशी छीनते रहेंगे, लेकिन इसी में आपको सीख लेना है कि मुझे अपनी स्थिति बिगाड़नी नहीं है। ये बोलते ही रहते हैं, इनका काम बोलना है और मेरे कानों में भगवान के बोल गूंजते रहें। बच्चे अचल अडोल रहो। तो दूसरे के किसी भी कारण से हम अपनी स्थिति को खोएंगे नहीं, तो हमारी शक्तियां बहुत बढ़ती जाएंगी और हम देखेंगे कि बोलने वाले बोलते ही रह गए और हम पहुंच गए अपने लक्ष्य की ओर। तो हर परिस्थिति को अपने को शक्तिशाली बनाने का साधन मान लें, हमें एडजस्ट होना है। लेकिन सेवा के क्षेत्र में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह निर्वाह करें कि जिम्मेदारी देने वाले प्रसन्न हो जाएं, वो हमसे निश्चिंत रहें, हमें जिम्मेदारी देकर वो कुछ भी सोचे नहीं कि पता नहीं इन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा। साथ में किसी भी संगठन में स्वयं को एडजस्ट करने के लिए मूल जो चीज है वो है अपने संस्कार और अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ। कभी कभी संगठन कईयों को पुरुषार्थ भी नहीं करने देता। कई बड़ों को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि छोटे भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने, परंतु हम पुरुषार्थ अंदर ही अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अंदर ही अंदर ऐसा रेडी होने का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, कर्म करते हुए योग युक्त रहने का अभ्यास किया जा सकता है। तो हम याद रखेंगे, जो जितने देह से न्यारे हो जाते हैं वो उतने ही सर्व के प्यारे बन जाते हैं। अब देह से न्यारी स्थिति के लिए न तो हमें किसी की आज्ञा लेने की जरूरत है, हमें भगवान की आज्ञा मिली हुई है, और न किसी से कुछ पूछना, न इसके लिए किसी समय की आवश्यकता है। तो हम आज संकल्प करें जिनके भी साथ हम रहते हैं, टकराव मुक्त रहेंगे, फीलिंग मुक्त रहेंगे, सहनशील होकर रहेंगे, साथ मिलकर चलेंगे, साथ लेंगे भी और साथ देंगे भी, तो संगठन हमें महान बनाने वाला बन जाएगा। संगठन हमारे अंदर गुण भर देगा, हम सीखते जाएंगे। बस लक्ष्य ये हो कि हमें सीखते चलना है। तो आज सारा दिन ऐसा रेडी होने की ड्रिल करेंगे, मैं आत्मा,
प्रकृति की कुटिया में विराजमान हूँ। बैठा देखें अपने को इस कुटिया में, मैं तपस्वी कुटिया के अंदर हूँ। फिर इसे निकलकर मैं अपने धाम चली जाती हूँ, वहां की शांति को अनुभव करती हूँ और वापिस आ जाती हूँ अपने देह में, तो स्वयं शरीरी होकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर दूसरों को आत्मा देखने का आज अभ्यास रहेगा। ओम शांति।